ओके तो उस बंदे ने बोला है, एफआईबी के बंदे ने ये बोला है कि अबे ये क्या काम करा इनने, ओ भाई साहब ये क्या काम करा इनने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था। अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, पहली बात तो ये, क्योंकि भाई पिछली वीडियो थी इतनी कमाल की, पता होना चाहिए। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो, लेकिन मैं शॉर्टकट में फिर भी बता देता हूँ कि हुआ क्या था। तो पिछली वीडियो में मतलब माइकल और ट्रेवर दोनों बंदों ने मिलकर, मतलब फ्रैंकलिन हमारे साथ था नहीं उस वक्त, मतलब पिछली वीडियो में फ्रैंकलिन साथ में नहीं था, मतलब पिछले वाले मिशन में साथ नहीं था। वैसे तो मिशन साथ होता ही है, लेकिन पिछले मिशन में सिर्फ फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन को छोड़ के माइकल और ट्रेवर ने दोनों ने काम किया था। और उन्होंने क्या किया था मैं आपको बताया था, उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था जो कि माल से भरी हुई थी। तो अगर पिछली वीडियो ने देखी तो जरूर से आगे देख लेना, और वहाँ से आज हम अपना गेम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैंने आज की वीडियो में ये वाली कार मंगवाई, कॉमेंट करके जरूर से बता देना कार कैसी लग रही है। वैसे तो ये कार फ्रैंकलिन की होती है, फ्रैंकलिन के पास ही डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मिलती है कार, लेकिन मैंने इस पर थीम वगैरह कुछ ऐड करके कार के अंदर ऐसी बना दी है कार, मतलब पेंट वगैरह कस्टम पेंट करवाया है और हमेशा की तरह अपना नाम लिखवा दिया। हमेशा की तरह नहीं, बस पिछली वीडियो में अपना नाम लिखा था पीछे नंबर प्लेट पर, इस वाली मतलब वीडियो में भी नाम लिखा है। मैं ट्राई करूँगा हर बार अपना नाम मेंशन कर दूँ, क्योंकि यार अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल एकदम VIP वाली फीलिंग आती है गेम के अंदर, जैसे बिल्कुल हमारा एकदम कंट्रोल हो। तो अभी अपने हमारी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ रहा है यहाँ पे, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं, पहला तो बी बना हुआ रहा है और एक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कि एक खोपड़ी भी स्केलेटन में बनी हुई आ रही है, लेकिन इस पर नहीं जाएंगे अभी, हम चलते हैं बी पे, क्योंकि बी वाला मिशन थोड़ा सा मतलब एक्साइटिंग हो सकता है, मतलब इंटरेस्टिंग मिशन हो सकता है थोड़ा सा। तो मैं काम करता हूँ, जल्दी से शॉर्टकट ले लेता हूँ और वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। अबे भाई यार शॉर्टकट लेने के चक्कर में ठुक गया, चलो कोई बात नहीं, अभी शॉर्टकट लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या मिलेगा। ओके तो मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ शॉर्टकट लेके, और यहाँ पे हो क्या रहा है पहले मैं देख लेता हूँ। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन और माइकल दोनों साथ ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड तक ये वाली वीडियो जरूर से देखे जाना, क्योंकि मैं जब भी ये बात बोलता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बात बोली थी कि जब भी मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि एंड तक जरूर से देख के जाना, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब भी ये तीनों बंदे एक साथ मिलते हैं तो मिशन अलग ही होता है। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनको ये अकेले निपटा देते हैं, मतलब एक ही बंदा निपटा देता है, लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिन्हें साथ में मिलकर करते हैं, और वो जो ये मिशन साथ में करते हैं वो ज्यादा कमाल के होते हैं। अभी देखते हैं क्या प्लान बना रहे हैं, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। ओके तो भाई यहाँ पे कुछ बोट वगैरह खड़ी है, मुझे लग रहा है या तो बोट के अंदर हम कहीं जाएंगे। ओके तो ये सस्ता FIB बंदा आ चुका है यहाँ पे, ये FBI जैसा, मतलब कोई FBI की ब्रांच होती है उसका सस्ता ये मॉडल है FIB। वैसे ये है पुलिस का बंदा, गवर्नमेंट का बंदा है, और ये हमसे काम वगैरह करवाता है, इसके बदले में मतलब इसके लिए हम काम करते हैं, ये बदले में पैसे देता है। ओके तो ये हमसे कुछ काम कराना चाहता है, और माइकल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो माइकल ने कहा हम जा रहे हैं, लेकिन ये चाहता है कि हम इसकी बात सुने और इसके लिए काम करें। ओके तो अभी ये चाह रहा है कि हम इसके लिए काम करें, लेकिन ये चाह क्या रहा है मुझे ये नहीं पता। लेकिन अभी इसने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ, इनने बोला है कि ट्रेवर को छोड़ के, मतलब सॉरी माइकल को छोड़ के, ये सिर्फ दो बंदे काम करेंगे, मतलब माइकल इनके साथ काम नहीं करेगा। ओके तो भाई यहाँ पे ओके वो थोड़ा सा मतलब असल में गड़बड़ा के बोल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने बोला क्या है, इसलिए ओके तो हम जा रहे हैं तीनों के तीनों, मतलब हम मिशन करने वाले हैं, तीनों बंदे मिशन करेंगे। और अभी हमें ओके नेविगेट डाउन टू कोस्ट लाइन, ओके तो हमें समुद्र के किसी हिस्से पे जाना होगा और वहां पे जाकर देखना पड़ेगा वहां पे क्या मिलने वाला है। वैसे तो ये मिशन बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि अब जब हम पानी के शायद से होता है अंदर भी जाएं, क्योंकि कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही पहने हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने पीछे सिलेंडर भी बांध लिए हैं, तो मतलब हो सकता है कि पानी के अंदर ही जाएं, क्योंकि सिलेंडर बांधे तो सिलेंडर बांधने का यही मतलब है कि अंदर जाएंगे और इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके तो अभी हमें पानी के बीच में बिल्कुल यहीं पे अपनी ओके यहाँ पे अपनी बोट को रोकना होगा, और अब देखते हैं क्या होगा। ओके ये तीनों के तीनों कूद रहे हैं अभी पानी के अंदर, इन्होंने अपना मास्क वगैरह सब बांध लिए है। ओके एफ टू डाइव, ओके भाई ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मैं हूँ कौन, मतलब माइकल बना हुआ या ट्रेवर या फ्रैंकलिन, मैं हूँ कौन, मुझे लग रहा है मैं अभी माइकल बना हुआ यहाँ पे। ओके इन्होंने लाइट वगैरह छोड़ी है यहाँ पे, और अभी हमें कहीं जाना होगा। ओके अभी हमें मतलब हम काफी मतलब टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अपने पीछे सिलेंडर बांधा हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं उसकी वजह से। तो अभी देखते हैं हमें जा कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल तो हमें पहले अपने जो पार्टनर हैं उनका पीछा करना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा। और यहाँ पे वैसे मेरे ख्याल से कुछ ढूंढने आए हैं, और मुझे अपने जो पार्टनर से वो दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में असल में एक लाइट है जिसकी वजह से मैं इजिली देख पा रहा हूँ। ओके तो फाइनली हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी टीम के बंदे हैं, वो पहुंच चुके हैं किसी जगह पे, और उन्हें शायद से जो चाहिए था वो मिल गया है।
ओ भाई साहब यहाँ पे तो एक तहखाना सा बना हुआ है यार। ओके यार ये मिशन बड़ा गजब का होने वाला है, यहाँ मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ओके तो हम इस जगह को काटने वाले हैं। ओके मैं समझ गया, तो इसे हमें काटना होगा जगह को। ओके ये जो पॉइंट्स बने पा रहे ग्रीन ग्रीन, मुझे इस पे इस वेल्डिंग वाली मशीन को मतलब जलाना होगा इस जगह को जहाँ पे ग्रीन ग्रीन पॉइंट आने हैं, और इस जगह को जलाकर तोड़ना होगा। मतलब एकदम रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है यार अभी इस टाइम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैनुअली हम इस काम को कर रहे हैं। वैसे तो मैनुअली कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है सचमुच कर रहे हैं ऐसा काम। ओके भाई तोड़ दिया, आधा आधा भी नहीं तोड़ा वैसे भी। ओके जल्दी से तोड़ता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई गुप्त खजाना है, और या तो सोना वोना यहाँ पे हो सकता है। कैश तो नहीं होगा, खैर कैश तो सवाल ही नहीं बनता होने का, लेकिन यहाँ पे खजाना जरूर से होगा, तो अभी देखते हैं। ओके आधा तो मैंने तोड़ दिया यार, इसे आधा तो तोड़ दिया मैंने इसे फाइनली। ओके वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है टूटने में, जल्दी टूट रहा है, लेकिन इसे तोड़ने में थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके बस तीन चार पॉइंट और रह गए, उसके बाद ये टूटेगा भाई, ये टूटेगा मतलब राउंड शेप में टूटेगा, इस सर्कल शेप में। ओके बस एक और है इसके बाद। ओके गया भाई गया फाइनली। ओके अब देखते हैं अब क्या होगा, अब इसे धक्का दे देंगे शायद से। ओ भाई सब खुल गया फाइनली है। ओके अब हमने कोई लाइट वगैरह जला ली है, लाइट है या पता नहीं क्या, कोई बम टाइप का है जिससे रोशनी हो रही है पानी के अंदर। ओके अब देखते हैं यहाँ लिखा है गेन एंट्री टू द लैब। ओके यहाँ पे कोई मुझे सीक्रेट लैब लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि पानी के अंदर है तो एकदम रियल सा एक्सपीरियंस आ रहा है एकदम। ओके तो सामने हमारा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है, और अभी हम किसी एक गुफा टाइप में आ चुके हैं। ऐसी गुफाएं अक्सर इस गेम में मतलब ऊपर ही होती हैं जमीन पे, एक ऐसी गुफा तब आती है जब हम बैंक की रोबरी करते हैं, बैंक की नहीं सॉरी ज्वेलरी की जब हमने रोबरी करी थी तब ऐसी गुफा में हम जाते हैं, लेकिन वो पानी की गुफा नहीं होती, वो बस एक वैसी गुफा होती है जहाँ पे ऊपर मतलब जमीन पे होती है वो। लेकिन अभी यहाँ पानी के अंदर गुफा में तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम स्पेशल अलग से फीलिंग आ रही है बिल्कुल। ओके तो यहाँ पे ये कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि ऐसा हिस्सा है पानी के अंदर का जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हुआ है मतलब रुका हुआ है काफ़ी टाइम से। ओके तो हम मेरे ख्याल से पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमें जाना है। ओके तो ओके तो हम शायद से पहुँच गए ऑलमोस्ट, और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ओके तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है। ओके तो यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा, ठीक है तो ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। हमारे पार्टनर्स भी सारे के सारे ऊपर जा चुके हैं, और अब यहाँ पे एक सीढ़ी भी आ रही है बनी हुई, ठीक है मुझे शायद से सीढ़ी पकड़ के ऊपर जाना होगा, अभी देखता हूँ। ओके सीढ़ी पकड़ के मैं ऊपर तो आ गया हूँ फाइनली, और यहाँ पे क्या करना होगा यार। ओके तो भाई पार्टनर सारे हमारे यहाँ पे आ गए, एकदम रियल लग रहे हैं बंदे क्योंकि पानी में भीगे हुए, तो उनकी जो पूरी पूरी कॉस्ट्यूम है वो पूरी भीगी हुई है, तो एकदम ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है। ओके तो अभी हमारे फ्रैंकलिन नहीं आया शायद से, क्योंकि ये बंदा FIB वाला जो बंदा था वो आया है, और ओके तो अभी माइकल ही इन लोगों के साथ आया है, ट्रेवर और फ्रैंकलिन हमारे साथ आए लेकिन वो नहीं आए साथ में। ओके इसे मारना होगा, ले भाई अबे। ओके मैं समझ गया, तो अभी हमारे हाथ में जो गन है वो एक्चुअली में मतलब शूट करने वाली नहीं है, ये करंट देने वाली है। ओके ले भाई ले। ओके इसने कुछ कहा क्यों नहीं मेरे, ये समझ में नहीं आ रहा। ओके गो टू द एलिवेटर। ओके तो हमें एलिवेटर में जाना होगा, और एलिवेटर पे तो आ गया मैं, खुल क्यों नहीं दी है। ओके तो एलिवेटर में क्या करना है, मुझे लग रहा है एलिवेटर अभी अपने आप ही खुलेगी, और यहाँ पे कोई आने वाला है तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। ओके भाई ले भाई ले, मार दिया, मारने में तो बड़ा मजा आया ऐसे। ओके इसके इसको मारने के बाद पैसे भी मिल गए हमें, क्योंकि इसके पास कुछ पैसे थे। ओके तो यहाँ पे मुझे नहीं ओके मैं समझ गया, तो यहाँ पे अभी हम किसी सीक्रेट जगह पर आए हैं बिल्कुल, यहाँ पे एक लैब है। ओके मैं समझ गया ये कोई सीक्रेट लैब है, यहाँ पे लोग काम वगैरह करते हैं, और इन कैप ओके तो यहाँ पे कुछ लैब के वर्कर्स हैं जिन्हें अभी मारना होगा हमें, और मारना कैसे होगा पहले मैं ये देख लेता हूँ। ओके ओके मुझे लग रहा है मुझे पीछे की तरफ से आना पड़ेगा, मैं आगे गलती से आ गया मुझे। ओके ठीक है थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ गया मैं, और यहाँ से ओके ये वाले रास्ते से मुझे जाना था अंदर, और इन लैब वर्कर्स को मारना है। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ चुरानी होगी जो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे शायद से हम अपना अलग से एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि भाई ये कुछ सीक्रेट लैब है जो बिल्कुल एकदम अंडर वाटर है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है यार ये एकदम अंडर वाटर, यहाँ तो नुकसान भी हो सकता है, मतलब सोचो अगर पानी आ जाए तो क्या ही होगा यहाँ पे।
ओके, तो अभी हमें शायद से आगे जाना होगा क्योंकि एक हमारा बंदा हमारी टीम का आगे जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, यहाँ पे लिखा है टेक कवर फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड। ओके ठीक है, तो अब शायद से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं। ओके, इस रूम से आएंगे सिक्योरिटी गार्ड। ओके भाई आ गए फाइनली, अभी ने हमें मारना होगा। ले भाई, तू भी ले और तू भी ले। अबे ये तो एक ही हिट से मर गए दोनों के दोनों। चलो ये बढ़िया हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीक्रेट अंडर कवर मतलब सीक्रेट लैब में बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल डीप पानी के। तो कुछ यहाँ पे स्पेशल मिलने वाला है हमें, हम कुछ स्पेशल चीज लेने वाले हैं। मतलब यार गेम ना मतलब डे बाय डे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। ओके, मैं इसके अंदर से इसे नहीं मार सकता, पर ये खुला भी तो नहीं है यार। ये खुलेगा कैसे, पहले मैं ये देख लेता हूँ। ओके, पीछे से भी रास्ता नहीं है। ओके, शायद से उधर की तरफ से रास्ता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ से भी रास्ता नहीं है, यहीं से रास्ता है लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। ओके, ले भाई तू ले। ओके, तो अभी ये जो बंदा ये गेट नहीं खोल रहा था लेकिन इससे गेट खुलवाया था धमकी वगैरह देके। ले भाई गलती कर दी तूने, गेट खोल के गेट द नर्व टॉक्सिन। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो हमें लेनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फॉर्मूला टाइप का हम चुराने आए हैं। ओके, तो भाई ये कोई मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है। ऐसा कोई मुझे ये लैब में बनाया हुआ कुछ मतलब कोई खतरनाक चीज लग रही है, क्योंकि अभी माइकल ने बोला ये सबसे डेंजरस चीज है। तो अभी बाद में पता चलेगा वैसे ये है क्या, लेकिन शायद से मुझे ऐसा लग रहा है जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ओके, अब लड़ने का टाइम आ गया गुंडों से, और जो गन मेरे हाथ में है वो रीलोड होने में अपने आप ही रीलोड हो रही है, मैं उसे रीलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन रीलोड होने में कुछ ज्यादा टाइम दे रही है। ले भूख ली, तू भी ले, और भी बंदे अभी यहाँ पर आ रहे हैं। ले भूख ले, ओ भाई जितनी देर में रीलोड हो रही है ना उतनी देर में तो मर भी जाऊंगा। ओके, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मैं अपनी गन चेंज भी कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी गन चेंज नहीं कर पाया तो भाई दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। ओके भाई फाइनली अपनी गन चेंज कर सकता हूँ, ये बढ़िया काम हो गया, क्योंकि भाई अब मैं ज्यादा तेजी से गुंडों को मार पाऊंगा। ले भाई, ओके ओके, तो अभी यहाँ पे ओके ठीक है मैं समझ गया। तो अभी यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भाई काफी बंदों से हमें लड़ना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, क्योंकि मैप पे बहुत सारे बंदे नजर आ रहे हैं, तो भाई हालत खराब होने वाली है इनसे लड़ने में। अब भाई यहाँ चिड़ियाघर भी है छोटा सा, जानवर यहाँ पे बर्ड्स हैं बहुत सारे। नहीं नहीं बर्ड्स नहीं है, यहाँ पे मंकी है बहुत सारे, मैं सोच रहा था जानवर है। ओ भाई मर रहे हैं मंकी। चलो यार मंकी को तो नहीं मारने वाला मैं, इतना भी मतलब बेरहम नहीं कि गेम में मंकी को मारूं। ओके, यहाँ पे अब देखना पड़ेगा यहाँ पे करना क्या है। ओके भाई इसने मंकियों के जाल में लात मार दी। ओके, यहाँ पे क्या करना होगा देखते हैं। ओके, या तो इस गेट को फाड़ना होगा या फिर ये गेट अपने आप खुलेगा, क्योंकि ये गेट मैंने जब इसको मारा था खुला नहीं था। ओ भाई साहब ने लात मार के खोल दिया, ये बढ़िया कर दिया। ये ऐसे क्यों नहीं खुला था ये गेट? ओके, यहाँ पे अलार्म वलार्म फुल बज रहे हैं एकदम, और यहाँ पे मुझे लग रहा है मतलब आर्मी के लोग भी शायद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कपड़े पहन रखे इन्होंने आर्मी के लोग लग रहे हैं मुझे। ओके, ले भाई मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम कर दी इन लोगों ने मार मार के। अरे भूतनी वाला कहाँ से आ रहे हो तुम? ले भूतनी तू ले, ओबड़े पे ले। ओके, अभी एक बंदा पीछे भी है। अरे मेरी टीम के बंदे कर क्या रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मतलब मैं ही आगे आके लड़ रहा हूँ और वो तो पीछे छुपे हुए हैं। ओके, शायद से एक चीज़ और हमें आगे से लेनी, क्योंकि जो मैप पे निशान बना हुआ आ रहा है उसका मतलब ये है कि हमें आगे से एक चीज़ और चुरानी है, तो देखते हैं ये क्या है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला टाइप का हमारे हाथ में लगा हुआ है ये हमें शायद से इसके अंदर लगाना होगा। ओके, तो ये इसके अंदर रख के या तो हमें इसे एग्जीक्यूट करना है या फिर इसको इसे रख कर इसी पूरी की पूरी चीज़ को चुराना है, क्योंकि जो निशान मैप का बना हुआ था उसका मतलब ये था कि इस पूरी की पूरी चीज़ को हमें लेकर आना है। और इस टाइम भाई माइकल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, खून हम खान हुआ है, और भाई अभी आ चुका है ट्रैवर अपना हेलीकॉप्टर लेकर। ओके, तो मैं ट्रैवर बन चुका हूँ फाइनली, और मुझे लग रहा है मैं अब नीचे अपना हेलीकॉप्टर उतारूंगा और उतार कर इन अपनी जो टीम के बंदे इन्हें वहाँ से लेकर आऊँगा। और मैं जैसा कि हमेशा से भाई एकदम नूब हूँ बहुत बड़ा, मतलब हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने में बहुत ज़्यादा नूब हूँ। ओके, यहाँ लिखा है कलेक्ट द कंटेनर। ओके, जो नीचे कंटेनर है उसे मुझे कलेक्ट करना होगा, तो मैं जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को नीचे ले लेता हूँ। ओके, आराम से। ओके, तो पहले मैं देख लेता हूँ वो कंटेनर है कहाँ पे। ओके, कंटेनर वहाँ पर है, ठीक है मैं समझ गया। तो कंटेनर के पास में से ले जाता हूँ, और मुझे इसको उठाना कैसे होगा मुझे यही नहीं पता सबसे पहले तो। ओके, ब्रिंग हर डाउन। ओके ठीक है, फाइनली मैंने सही जगह पे अपना हेलीकॉप्टर मतलब रोक कर
और अपने जो रस्सी वस्सी है सब पैक दिए, और हम रस्सी से बांध गए पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ से ले जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ यहाँ से हम चोरी कर रहे हैं, और इनकी फिर से लड़ाई वड़ाई हो गई, झगड़ा वगड़ा हो गया, बहस वहस करते रहते हैं। माइकल से सब बहस करते हैं, वैसे हमारे जो डेव दोस्त है ये बहुत बढ़िया, ये बहस नहीं करता। ओके, तो उस बंदे ने बोला है, FIB के बंदे ने ये बोला है कि अबे ये क्या काम करा इनने, ओ भाई साहब ये क्या काम करा इनने, ओ भाई साहब इनने मुझे लग रहा है अपनी ही गोली मार के झांसा दिया उन लोगों को। और मुझे ऐसा लग रहा है जो हमें मतलब वो फंसाना चाह रहा है, क्योंकि अपने उसने गोली मारी है इसलिए ताकि वो हमें फंसा सके। वो ये दिखाना चाह रहा था उन बंदों को जो उसके पास आए थे उसे पकड़ने के लिए कि हमने उसको गोली मारी है, और हम उसे गोली मार के हम उससे सामान छीन के चले गए। लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस कंटेनर को हमें लेके जाना होगा किसी जगह पे, शायद से अपने हम किसी घर वगैरह के पास ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और मतलब काम की भी चीज़ है। तो अभी इसको पहले लेके चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं इसे, और आराम से यार, आराम से, बहुत आराम से, कुछ ज़्यादा तेज़ आ गया मैं, नहीं 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 ये गड़बड़ हो गई। ओके ओके, शुरू करें अभी तक ये फटा नहीं, इतने में तो फट के छार हो जाते इसके। ओके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है फटा क्यों नहीं। ओके, यहाँ लिखा लैंड द क्रिएट ऑन द ट्रेलर। ओके, तो मुझे यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक, ओके मैं समझ गया, तो यहाँ पर एक वो खड़ा हुआ है बहुत बड़ा ट्रक सा, मुझे इस पे से उतारना होगा। ठीक है, ई दबा के मैंने फाइनली इसे उतार दिया यहाँ पे, भाई ये सही काम कर दिया। लेकिन मुझे अभी ये मेरा मिशन बिल्कुल फेल होने वाला था, इतनी देर की मेहनत मेरी खराब हो जाती। ओके, तो शुक्र है बच गया। यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देख सकते जरूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को देख सकते जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप कोई भी गेमप्ले वीडियो या सीरीज मिस ना, और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि आज जो वाटर में गए थे हम बहुत ज़्यादा डीप में, उसमें मज़ा आया नहीं आया। तो मैं मिलता हूँ किसी और कमाल की वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।